1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम एनिमल होता है, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। कुछ लोग यह मूवी को काफी अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह मूवी समाज पर बुरा प्रभाव डालती है। मूवी 3 घंटे 21 मिनट की है, जिसमें से 10 से 12 मिनट का ही रोल बॉबी देओल का है। आखिर 10 से 12 मिनट में बॉबी देओल ने क्या ही कर दिया जिससे रणबीर कपूर से ज़्यादा तारीफ बॉबी देओल की हो रही है, और क्या यह मूवी सच में समाज पर बुरा प्रभाव डालती है? यही सब जानने के लिए हम निकल पड़ते हैं मूवी देखने के लिए। मूवी को 10-12 दिन हो चुके हैं रिलीज हुए और मुझे आज टाइम मिला है मूवी देखने के लिए, तो चलते हैं, मैं जाकर मूवी देखता हूँ। तो गाइस अभी हम वासी पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से चलते हैं सिनेमा हॉल जो कि बगल में ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, लगभग 1 किलोमीटर है, पैदल जाके वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने लोकेशन की तरफ। तो मूवी देखना अगर मुंबई में और खारघर से, तो भाई आपको ट्रेन व्रेन से तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टैक्सी या ऑटो से आओगे तो फिर ट्रैफिक में फंस सकते हो, इसीलिए आराम से ट्रेन से आ गया। आप यहाँ से बगल में ही है रघुलीला नाम है मॉल का, तो वहाँ जाएंगे हम। चलिए मैं आपको वहीं अब मिलता हूँ। ये रहा वासी रेलवे स्टेशन, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, और ये रहा हमारा हॉल, तो हम यहीं चलते हैं। तो गाइस अभी मॉल में आ चुके हैं और जा रहे हैं मूवी देखने, 5:20 का शो है, चलिए चलते हैं। और ये देख सकते हो पीछे आप पूरा मॉल, काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है यहाँ से मॉल, देखिए आप, ठीक है। अगर आप मुंबई वासी में रहते हैं तो वासी स्टेशन के जस्ट बगल में ही है ये मॉल, रघुलीला नाम है इस मॉल का। तो ऊपर चढ़ना है, ऊपर है आईनॉक्स का थिएटर और वहीं पर जाके हम मूवी देखेंगे। ये पूरा ब्लॉग जो आप देख रहे हैं ये सारा आईफोन से मैं बना रहा हूँ, तो आप बताना कि क्वालिटी कैसी है। आईफोन से ये शूट कर रहा हूँ, आईफोन 15 प्लस मैंने लिया था हाल ही में, इसका एक छोटा सा शॉट मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख लो। ये है आईनॉक्स। मूवी को रिलीज हुए 10 से 12 दिन हो चुके थे, इसीलिए पूरा सिनेमा हॉल खाली था, कुछ ही लोग ये मूवी देखने आए थे, जो कि काफ़ी अच्छा था, हम शांति से मूवी एंजॉय कर पा रहे थे। सो गाइस अभी इंटरवल हो चुकी है मूवी, और मूवी देखने में काफ़ी अच्छा लगा, पूरा एरिया देख सकते हो खाली है, ठीक है, मैं अकेले यहाँ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस मूवी हमने देख लिया है और काफ़ी अच्छा मूवी था, थोड़ा वायलेंस अधिक था बट देखने में काफ़ी अच्छा लगा मूवी, इसका शायद पार्ट 2 भी आने वाला है एनिमल पार्क। मूवी को अगर आप इंटरटेनमेंट की नज़र से देखने जाओगे तो आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेगी, स्टोरी काफ़ी अच्छी है, एक बाप बेटे के रिश्ते को अच्छे से दिखाया गया है। हाँ मूवी में वायलेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए मूवी को ऑलरेडी ए सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। बॉबी देओल की एक्टिंग सच में काफ़ी अच्छी है। एक टाइम था जब लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड का दौर समाप्त हो गया है, एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन पठान, जवान, एनिमल जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड का दौर खराब हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं।